अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लीवो मोंट एलसी सिरप के बारे में। इसका फुल रिव्यू मैं करने वाला हूं। अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह की एलर्जी हो तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना चाहिए। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, कैसे उपयोग करना है, क्या सही डोज है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है। लीवो मोंट एलसी सिरप जिसे बनाने वाली कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ सॉर्ट इडल एडवांस रिसर्च फार्मा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लीवो मोंट एलसी सिरप जिसका कंटेंट है मोंटिलिकॉस सोडियम लिवोसिटिजिन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हो मोंटिलिकॉस जो कि है 4 mg है और लिवोसिटिजिन हाइड्रोक्लोराइड है 2.5 mg। ये इसका कंटेंट है। इसका मार्केट प्राइस की बात करें तो 60 ml का ये आपको देखने के मिल जाएगा, जिसका MRP है 99.90 रुपये, यानी 100 रुपये लगभग। 100 रुपये में आपको 60 ml मिलेगा। इसका पैक आप देख लीजिए किस तरह के पैक में आता है। आप इसका पैक देख सकते हो किस तरह के पैक में ये आपको मिल जाएगा मार्केट में। आप इसे अलग नाम से भी ले सकते हो, जैसे कि मोंटिकोप, मोंटीना एल और वेंटिकॉस एलसी सिरप। मतलब आपको ये बहुत सारे नामों से मिल जाएगा इजली। लिवोसिटिजिन मोंटिलिकॉस फार्मूले में कुछ इस तरह का पैक में आता है। आपने पैक देख लिया है तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इसका जो उपयोग कैसे में किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके बच्चे को नाक से पानी आ रहा हो, बार बार बच्चा छींक रहा हो, शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी हो गई हो, बार बार खांसी आ रहा हो और उसका सांस फूल रहा हो, खुजली हो रहा हो शरीर में, आँखों से पानी आना, सर्दी, छींकने, मतलब जो कि मैंने पहले बता दिया, छींक आ रहे हो, यानी फ्रेंड्स किसी भी तरह की एलर्जी हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। एंटी एलर्जी सिरप इसे बोल सकते हैं। किसी भी तरह की एलर्जी हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, बात करें इसके डोज की तो इसका जो डोज है वो वेट और एज के हिसाब से होता है, बच्चों के वेट और एज के हिसाब से, इसलिए मैं इसका डोज नहीं बता रहा हूँ। वैसे आप इसे रात में खाना खाने के बाद या पहले ले सकते हो अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद, और डॉक्टर जितना कहें उतना लेना चाहिए, वेट और एज के हिसाब से होता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि इसकी सावधानी क्या है, इसके किन बच्चों को ये नहीं पीना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे को लीवर या किडनी संबंधित कोई दिक्कत है तो इसका सेवन ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर या किडनी संबंधित कोई भी दिक्कत है तो ना करें। बात कर लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो चक्कर आना और नींद ना आना, थकान, दस्त, कब्ज, मतली, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, त्वचा पर दाने निकलना, उल्टी, ये कुछ साइड इफेक्ट बच्चे को हो सकते हैं। अगर आपको और कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो तुरंत ये सिरप यूज़ करना बंद कर दें, नहीं तो आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो लीवो मोंट एलसी सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी लीवो मोंट एलसी सिरप के बारे में। अगर पूरी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। और अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना, किसी दवा के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप लिख दीजिए फ्रेंड्स, मैं रिप्लाई दूंगा, उसे बताने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।